सरगुजा जिला की अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी निशा कश्यप का दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर में चयन हुआ। ये सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ की एक बड़ी उपलब्धि है। अंबिकापुर शहर की स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी निशा कश्यप का चयन दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर से बास्केटबॉल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल कोटी से चयन हुआ, जिससे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में काफी उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि निशा कश्यप के माता पिता की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी। निशा का पालन पोषण उसकी बड़ी बहन ने किया। निशा की बड़ी बहन को निशा के भविष्य को लेकर काफी चिंता थी। निशा के बड़ी बहन ने निशा के लिए कुछ रहने व खेलने के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा था। इसीलिए निशा कश्यप के लिए के राजेश्वर राव से अनुरोध किया अपने पास रखने व बास्केटबॉल का प्रशिक्षण देने का। और जब मैं 8 साल की थी तब मेरी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, तो मेरी बड़ी बहन ने कपड़े की दुकान पे काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया और मेरे भविष्य पे ध्यान दिया। और आज मैं लेवल पे हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन के कारण ही हूँ। और मैंने गर्मी की छुट्टी पे बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था अपने दोस्तों के साथ। फिर वहाँ के जो कोच हैं वो राजेश प्रताप सिंह हैं, जो जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, राजनांदगांव भेजा। राजनांदगांव जाने के बाद मैंने एक साल युगांतर पे रहा और राधा मैम और राव सर के दौरान जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग मिलती रही। फिर मैंने साई ज्वाइन किया। साई में ज्वाइन होने के बाद मैं नेशनल लेवल पे खेली, इंटरनेशनल लेवल पे खेली और मैंने 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं। बाकी मैंने नेशनल खेले हैं। नेशनल मेडल के दौरान ही आज मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर पे जॉब ज्वाइन कर पाई हूँ। और अभी भी जितने ट्रैवल एरिया की गर्ल्स हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी गर्ल्स हैं वो बहुत आगे बढ़ें, मेहनत करें, अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएं अपनी ज़िंदगी में। जब निशा हमारे साथ आई तो उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। तब उस वक्त सरगुजा जिले में अच्छे बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं थे, फिर भी हम उसे और अन्य खिलाड़ियों को टूटे फूटे ग्राउंड में ही प्रशिक्षण दिया करते थे। उसी ग्राउंड से खेलकर निशा कश्यप बास्केटबॉल का मिनी वर्ग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंची, जहां से उसे विशेष पहचान मिली। निशा कश्यप ने प्रारंभिक बास्केटबॉल का प्रशिक्षण सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के कोच के देखरेख में सीखा। निशा कश्यप के उत्कृष्ट खेल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच के राजेश्वर राव व के राधा राव से अनुरोध किया कि उसे राजनांदगांव अपने पास रखकर एडवांस ट्रेनिंग दे। के राजेश्वर राव व राधा राव के प्रयास से साइन में सिलेक्ट भी हुई। साथ में युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में एडमिशन कराया। साइन ट्रेनिंग सेंटर में रहकर नियमित अभ्यास करने लगी। इसके बाद निशा कश्यप निरंतर खेलने में आगे बढ़ती रही। साइन ट्रेनिंग सेंटर में रहते हुए कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीते और एशियन व विश्व स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता की 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। निशा के टैलेंट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच के राजेश्वर राव व सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ सचिव व कोच संयुक्त प्रयास से सरगुजा जिला से ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम भी सरगुजा में चलाया गया। के राजेश्वर राव कोच और के राधा राव के विशेष मार्गदर्शन में सरगुजा की प्रतिभा निखर कर आई और आगे बढ़ी। निशा की ये सफलता उसके लगातार किए जाने वाले मेहनत का परिणाम है। अभावों से निकलकर उसने मिले हुए मौके का फायदा उठाया और खेल के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए मिले मौके को अपनी मेहनत से ऐसा करके दिखाया जो शायद हर खिलाड़ी का सपना ही होता है। निशा लगातार मेहनत करती गई और बास्केटबॉल को अपना पूरा समय दिया, यही कारण है कि उसे ये मुकाम हासिल हुआ। मैं सरगुजा जिला का बास्केटबॉल कोच राजेश प्रताप सिंह। अभी हाल ही में हमारे सरगुजा से कुमारी निशा कश्यप अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे में खेल कोटे से सिलेक्शन होने पर बहुत बहुत बधाई है सभी को, सभी खेल प्रेमियों को बधाई है। इस खेल प्रेमी के साथ और इस बड़ी उपलब्धि के साथ मैं जिले वासियों से निवेदन करता हूँ कि अगर सरगुजा के हर खेल विभागों को अच्छा से अच्छा आर्थिक मदद के लिए किसी कंपनी या किसी संघ या संस्था द्वारा दी जाए तो हर प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिल सकता है और सरगुजा के खिलाड़ियों को बड़ी खेल से भविष्य सुधारने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। नमस्कार।